नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने वाले हैं मैसूर पाक। मैसूर पाक बनाने के लिए हमने यहाँ लगभग 400 ग्राम बेसन लिया है। बेसन को हमने अच्छे से छान लिया है, इसके जो भी लम्स थे वो निकाल दिए हैं। इसी के साथ हमने 300 ग्राम चीनी ली है। आप मीठा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 200 ग्राम के लगभग हमने घी लिया है। तो शुरू करते हैं मैसूर पाक को बनाना। मैसूर पाक बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में चीनी को डाल देंगे और जितनी हमने चीनी ली है उसी के हिसाब से नाप कर हम यहाँ पानी डाल देंगे। गैस को ऑन कर लेंगे और चीनी को हम मेल्ट करेंगे। हमें यह चाशनी नहीं बनानी है इसकी, सिर्फ हमें चीनी को मेल्ट करना है अच्छे से। जब तक चीनी मेल्ट होती है हमने जो घी लिया है इसे भी हम दूसरी कढ़ाई में चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए। घी को गर्म होने देते हैं, साथ ही चीनी को भी मेल्ट कर लेते हैं अच्छे से। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और साथ ही हमारा घी भी हल्का गर्म हो चुका है तो इधर भी हम गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे। अब जो हमने ये चाशनी बनाई है इसमें हम धीरे धीरे बेसन ऐड करेंगे। बेसन को हमें लगातार चलाते रहना है और जितनी भी इसमें गुठलियाँ हैं उसे हमें ख़त्म करना है। बिल्कुल भी हमें यहाँ गुठली नहीं रखनी है इसमें। अगर आप इसमें गुठलियाँ रखते हैं तो जो हमारा मैसूर पाक है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसे हम लगातार चलाते हुए इसकी गुठलियाँ खत्म कर लेंगे। बेसन हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया, इसमें कोई भी लम्स नहीं है तो इसमें हम हमारा घी जो गर्म हो चुका है इसे हम धीरे धीरे बेसन में ऐड करेंगे। धीरे धीरे चलाते हुए हमें यहाँ घी को ऐड करना है और जब हम घी को ऐड करते हैं तो घी हमारा बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, इसी तरह का हमें बिल्कुल गर्म घी चाहिए। ये देखिए धीरे धीरे करके हमने सारे घी को इसमें ऐड कर दिया है। लगभग इसे हम 10 मिनट तक और इसी तरह चला लेंगे। लगभग चलाते हुए इसे हमें 5 मिनट हो चुके हैं और जब तक ये घी नहीं छोड़ने लग जाएगा हम इसे तब तक चलाते रहेंगे। बेसन ने धीरे धीरे घी छोड़ दिया है और हमने गैस को बंद कर दिया है। इसे हम निकाल लेते हैं केक टिन में और केक टिन में हमने एक बटर पेपर लगाया है। आप चाहें तो किसी भी बर्तन में इसे निकाल सकते हैं। अब इसे हम सेट कर देते हैं अच्छे से। ये देखिए इसे हमने अच्छे से सेट कर दिया है और इसे हम लगभग 2-3 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर रख देंगे और जब ये थोड़ा हल्का ठंडा हो जाएगा तो हम इसे कट भी कर देंगे बीच में। तो इसे हम लगभग 2-3 घंटे तक रख देते हैं। लगभग 2-3 घंटे हो चुके हैं मैसूर पाक को रखे हुए रूम टेम्परेचर पे और इसे जब ये ठंडा हो गया था तो हमने इसकी कटिंग भी कर ली थी तो इसे हम निकाल लेते हैं। इसको हम पहले साइडों से छुड़ा लेंगे नाइफ से। ये जब ठंडा हो जाता है तो ये कट नहीं पाता है, इसलिए जब ये नॉर्मल ठंडा हो गया था तो इसी की हमने कटिंग कर ली थी।
देखिए अब इसे हम निकाल लेते हैं और इस पर हमने थोड़ा सा पिस्ते से गार्निश भी किया है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसे निकाल लिया है और इसे हम दूसरी प्लेट में हम इसे अच्छे से सेट कर देते हैं। ये देखिए हमने इसे दूसरी प्लेट में निकाल लिया है और देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारे मैसूर पाक लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं ये जितने दिख रहे हैं। ये दुकान से थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं पर खाने में वैसे ही हैं, सेम टेस्ट है इनका। तो आपको हमारी मैसूर पाक की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो कैसी लगी आपको हमारी मैसूर पाक की रेसिपी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।